all the students of class 5. Students of class 5, welcome to assistant class. So students, today in this class we are going to study about transport. Okay, यातायात परिवहन इसको कहते हैं. हम लोग आज के क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे. पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट को स्टार्टिंग से और बेसिक से पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इन अ प्रीवियस टाइम पीपल किस चीज का यूज करते थे फॉर अ ट्रांसपोर्ट, फॉर कैरिंग देयर गुड्स एंड देमसेल्फ ऑल्सो. तो ये चीजें हम लोगों ने देखी. फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ. तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हुए ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री में जो इसको पूरी तरह से बदल के रख दिया. उसके बाद ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है, तो ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है वो हमें एक जगह से दूसरे जगह पे इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पहुंचाता है. हमारे गुड्स को, हमारे सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पहुंचाता है. इसीलिए ट्रांसपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो ट्रांसपोर्ट को अब हम लोग वेरियस टाइप्स में, ट्रांसपोर्ट चलता कहाँ कहाँ है, तो ऑन अ थ्री वे हम लोगों ने डिवाइड किया था. फर्स्ट वन रोड, सेकेंड वाटरवे, थर्ड एयरवे. तो हम लोगों ने लैंड ट्रांसपोर्ट को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने क्या काम स्टार्ट किया है, रोडवेज. तो रोडवेज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. आर यू रेडी? सो वी कैन स्टार्ट. ओके, सो स्टूडेंट चैप्टर टू में रोडवेज, पहले रोडवेज को अच्छे से देखते हैं कि क्या होता है और अच्छे से बेसिक से क्लियरली हम लोग पढ़ेंगे ताकि एक भी प्रॉब्लम ना हो और क्वेश्चन आंसर 70% आप लोग खुद ही कंप्लीट करें क्योंकि आपका चैप्टर उतने अच्छे से क्लियर हुआ हो. तो नहीं तो चैप्टर ही क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है और आप अपने आप को उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि हम आंसर वो दे पाए. तो स्टार्ट करते हैं. रोडवेज, रोड्स आर यूज बाय व्हीकल्स फॉर फास्टर एंड स्मूदर मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स. रोड्स को यूज किया जाता है, उसमें व्हीकल्स चलते हैं और रोड्स अगर अच्छा हो तो व्हीकल और भी ज्यादा स्पीड और भी ज्यादा स्मूदर चलते हैं, उनमें एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत कम रहता है. अर्लियर रोड्स वेयर, अर्लियर बहुत समय पहले जो रोड्स थे, हम लोग भी एज्यूम कर सकते हैं या फिर कभी गांव वगैरह में जाते हैं जो उतना ज्यादा डेवलप नहीं है तो हमको रोड्स को देखने में डिफरेंस पता चलता है. अगर हम टाउन का रोड देखें और विलेज का रोड देखें तो हम लोग को डिफरेंस पता चलता है. तो यही यहाँ पे कह रहा है कि अर्लियर रोड्स वेयर नैरो एंड रफ. अर्लियर जो रोड्स होते थे वो क्या होते थे, छोटे होते थे, पतले होते थे एंड रफ होते थे इन द सेंस कि उनका कोई प्रॉपर सेफ नहीं होता था. दे वेयर मेड ऑफ मड एंड स्टोन. जो रोड्स होते थे वो मड और स्टोन से बने हुए होते थे. रोड्स किससे बने हुए होते थे, मड और स्टोन से बने हुए होते और वो वैसे रोड को हम लोग कच्चा रोड कहते हैं जिसपे की हेवी व्हीकल्स, ज्यादा लोड वाला सामान, गाड़ी नहीं जा सकता है, वो उसमें फंस जाता है. टुडे रोड्स आर मेटल एंड पक्का ऑन विच हेवी व्हीकल कैन मूव. आज के जमाने में रोड क्या है, रोड्स पक्का है, मेटल है जिसपे की बहुत हेवी हेवी, हम लोग खुद देखते हैं कितना हेवी हेवी ट्रक जो है वो रोड से गुजरता है, तो बहुत ज्यादा सामान होता है. तो ये चीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं. अब देखते हैं कि हाईवेज क्या होता है. हाईवे वर्ड बहुत सुनते हैं, हाईवे से जाते हैं. तो हाईवे क्या होता है, हाईवे आर नेटवर्क ऑफ रोड्स दैट कनेक्ट मेजर सिटीज. हाईवे जो है वो क्या है, एक नेटवर्क है रोड का जो क्या करता है, मेजर सिटीज, जो बड़ी बड़ी सिटीज में कनेक्ट करता है. हाईवे नेटवर्क है रोड्स का, लिंक है रोड्स का जो कनेक्ट करता है इन अ मेजर सिटीज. तो वैसे बुक में आपने तीन चार एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे दो दिया है, आप उससे कनेक्ट करके पढ़िएगा. सम ऑफ द वर्ल्ड फेमस, इंडियन बात नहीं होती, वर्ल्ड फेमस हाईवे के बारे में देखते हैं. द बर्मा चाइना रोड, द बर्मा चाइना रोड. सेकेंड है द पैन अमेरिकन हाईवे. ये सब हाईवे क्या है, सिटीज से, मेजर सिटी जो बड़े बड़े शहरों में ये कनेक्ट करता है. अब हम लोग देखते हैं दूसरा चीज की, देखते हैं कि आगे क्या आ गया. सम ऑफ द रोड, सम ऑफ द हाईवे, कुछ जो हाईवे होते हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी कनेक्ट करते हैं. ये तो सिटीज टू सिटीज, मेजर सिटीज में कनेक्ट कर रहा है.
बट कुछ ऐसे हाईवे, कुछ ऐसे रोड्स होते हैं जो कंट्री टू कंट्री भी कनेक्ट करते हैं। जैसे हम अपने इंडिया की बात ले, इंडिया विद नेबरिंग कंट्री लाइक इंडिया से जो रोड्स के द्वारा, रोड के द्वारा, बाय रोड जो कनेक्ट होता है जो कंट्री, उसको देखते हैं। और इसमें ज्यादातर हमारा नेबरिंग कंट्री ही है, लाइक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान एंड म्यांमार एंड सोल और वियत। तो ये क्या है, ये ऐसे रोड्स हैं जो एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करते हैं, ये बड़े हाईवे हैं। तो देखते हैं ऐसे ही उस पे और भी बहुत सारे रोड्स की एग्जाम्पल दे रही थी मैंने यहाँ पे, फिर अगेन दो ही लिखा है। जैसे एक कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, दैट इज मेड बाय केयर सासुरी। और ये कनेक्ट कमत कहाँ करता है आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये कोलकाता टू पेशावर इन पाकिस्तान। कोलकाता में, कोलकाता कहाँ है, तो कोलकाता इंडिया में। ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, बनवाया गया है, वो इंडिया के कोलकाता से कोलकाता को पेशावर इन पाकिस्तान कनेक्ट करता है। आगे देखते हैं खाइबर पास। खाइबर पास क्या करता है, इंडिया को अफगानिस्तान के रोड को कनेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा, लैंड ट्रांसपोर्ट के रोडवेज के बारे में आज की क्लास में लोगों ने पढ़ा। और नेक्स्ट क्लास में हम रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। तो रोडवेज में हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रोडवेज क्या है, रोड को यूज किया जाता है फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, फॉर स्मूदर एंड फास्टर मूवमेंट। रोड्स क्या है, अभी के रोड्स तो बहुत ही अच्छे हो गए हैं, पक्का मेटल्ड हो गए हैं, बट प्रीवियस रोड्स कैसे होते थे, रफ एंड वेरी नैरो। हाईवेज क्या होता है, तो हाईवे नेटवर्क ऑफ रोड्स, रोड्स का नेटवर्क होता है जो बिग बिग मेजर सिटी में कनेक्ट करता है। सम ऑफ द वर्ल्ड फेमस हाईवे आर बर्मा, चाइना में द पैन अमेरिकन हाईवे। अब ऐसे ही आते हैं नीचे हाईवे रोड्स जो मेजर कंट्री टू कंट्री में कनेक्ट करता है, लाइक इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया टू नेपाल, भूटान टू इंडिया टू भूटान एंड रोड्स को भी हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता टू पेशावर इन पाकिस्तान, खाइबर पास रोड टू अफगानिस्तान। अब आप अपना बुक खोलिए और देखिए किस टॉपिक से आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है। इस टॉपिक से आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है। अब होमवर्क में आपको क्या करना है, चैप्टर 12 लीड करना है जहाँ तक पढ़ाएंगे अच्छे से ऑनेस्टी के साथ। एंड पहला क्वेश्चन इनसाइट को हम दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट हाउ रोड्स आर इम्पॉर्टेंट रोड्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। सेकेंड है वॉट आर हाईवे क्या है, इसको आपको लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है इनसाइड जो मैंने पूछ दिया है, हाउ रोड्स आर इम्पोर्टेंट टू अस, रोड्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट कहते हैं। एंड सेकेंड है वॉट आर हाईवे, तो आपको चैप्टर 12 रोड्स तक पढ़ाई हुई है, रोडवेज तक, वहां तक आपको अच्छे से रीड करना है एंड इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली कंप्लीट करना है।